हे गाइस, आई एम प्रांजल। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ दिस मेकअप लुक, एंड दिस मेकअप लुक इज इंस्पायर्ड बाय साई स्टाइलिस्ट साइमा दी। उनका इंस्पायर मेकअप लुक मैंने किया हुआ है, एंड ये मैंने फर्स्ट, आई थिंक मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं किसी का यूट्यूबर का इंस्पायर मेकअप लुक कर रही हूँ। एंड ये उन्होंने काफ़ी न्यूट्रल काइंड ऑफ मेकअप लुक क्रिएट किया हुआ था, एंड विद अ ग्लॉसी लिप्स एंड बहुत ही लाइट आई मेकअप एज यू कैन सी। एंड आपको ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने इसको कितना ज़्यादा लाइक परसेंट उनके ऐसा करने की कोशिश की है। मैंने उनके ऐसा लुक दिखने की कोशिश नहीं की, इससे मैंने उनके जो स्टेप्स होते हैं वो फॉलो किए। मैंने ना ही उन जैसे प्रोडक्ट यूज़ किए जो प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किए, उसके ब्रांड एंड मेरा ब्रांड बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने हाई एंड ब्रांड यूज़ किया है मैक्सिमम, एंड मैंने एक बजट फ्रेंडली ब्रांड्स यूज़ किए हुए हैं। बट मैंने जो प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किए वो प्रोडक्ट ही मैंने यूज़ किए, लाइक मैंने अगर उन्होंने मिस्ट यूज़ किया तो मैंने मिस्ट यूज़ किया, सिर्फ ब्रांड का डिफरेंस है। इस टाइप से वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कर देना, कमेंट करना कैसा लगा ये लुक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले उन्होंने यूज़ किया था फेस मिस्ट, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का लेमेंडर फेस मिस्ट। सो सेकंड स्टेप पे मैं फेशियल ऑयल उन्होंने यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सी सीक्रेट एलोवेरा एंड गुडेची फेशियल ऑयल, एंड काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है। अगर आप कोई अफोर्डेबल फेशियल ऑयल देख रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा, एंड इसको अच्छे से मसाज कर लूँगी मेरे फेस में। सो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है प्राइमर। सो उन्होंने प्राइमर अप्लाई किया था इसके बाद, सो आई एम ऑल्सो यूजिंग प्राइमर, एंड एनवाईवे का प्राइमर काफ़ी बजट फ्रेंडली है। इससे आपके पोर्स जो भी होंगे मिनिमाइज हो जाएंगे, एंड आपका जो भी बेस मेकअप होगा बहुत ही फ्लॉलेस एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया था कंसीलर, सो एज मैं भी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, एंड ये मेरा बैट एंड वाइल्ड का कंसीलर इन द शेड मीडियम। एंड अभी बेटर एंड वाइट के प्रोडक्ट पे 50% ऑफ चल रहा है एंड सारी वेबसाइट्स पे, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो गो एंड चेक। अच्छे से सो नेक्स्ट सी फिल हर ब्राउज, सो एज आई एम फिलिंग माय ब्राउज। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे आई मेकअप पे, सो उन्होंने लाइट ब्राउन शेड से अपनी क्रीज को इन्हेंस किया था। बहुत ही लाइट आई मेकअप है, कोई आई मेकअप ऐसा खास नहीं था, बट फिर भी वो बहुत ही ग्लैम लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। न्यूट्रल मेकअप था बट फिर भी वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। नाउ शी पिक अ लिटिल बिट पिंक कलर, पिंक सी जिस पैलेट में से मैं पिंक शेड पिक कर रही हूँ, एंड जस्ट मेरी लिट पे अप्लाई कर रही हूँ बहुत ही लाइटली, क्रीज लाइन के नीचे ही मैं ऐसे अप्लाई करूँगी मस्कारा। मैं यहाँ पे कोई भी फॉल्स लेसेस अप्लाई नहीं करूँगी, इसलिए मस्कारा की 2 से 3 कोट मैं करूँगी। नाउ आई एम अप्लाइंग आई लाइनर, एंड बहुत ही थिन आई लाइनर अप्लाई करूँगी जैसे कि उन्होंने किया हुआ है। आफ्टर अप्लाइंग आई लाइनर शी अप्लाइड न्यूट्रल काजल, बट मेरे पास न्यूट पिंक कलर का काजल नहीं है, सो आई एम अप्लाइंग दिस वाइट काजल। एंड दिस इज सो पिगमेंटेड गाइस, लाइक मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ।
After this, I am applying lipstick, and it's only sugar matte key lipstick applied to the, but I am not having sugar matte lipstick, so I am using this, and ये मेरा NYB का argan oil lipstick है, and ये बहुत ही neutral shade है, उन्होंने भी एकदम neutral shade apply किया था, and ये मेरे favorite lip shade है. And after this, वैसे तो मुझे lip gloss means shiny lip gloss वाली lipsticks पसंद नहीं है, तो ऊपर lip gloss apply किया हुआ था. Just wait, मैं यहाँ पे Miss Claire का lip gloss use कर रही हूँ, and ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, but मेरे पास और कोई lip gloss नहीं है इसके अलावा. And इसका applicator आते ही जब मुझे receive हुआ था, उसकी एक दिन like मैंने दो बार second time जब apply किया तभी टूट गया था उसी दिन. Just applying this, फिर मैं without brush ताकि अच्छे से work कर लूँ इसके साथ. Not the least, मैं अपने चीज पे ब्लश अप्लाई करूंगी. और ये इस टाइप की न्यूट्रल शेड जो आप अप्लाई करते हो अपने फेस पे, काफी अच्छा लुक देते हैं अपने फेस को. एंड काफी इस टाइप का मेकअप इज नॉट कि आप सिंपली कुछ कहीं पे जा रहे हो तो आप अप्लाई कर सॉरी कैरी कर सकते हो. आप इस टाइप के मेकअप्स को पार्टीज में भी कैरी कर सकते हो, नाइट पार्टी टाइम. मैं थोड़ा सा नोज पे भी लगाऊँ. एंड नाउ शी अप्लाई हाइलाइटर, एंड बहुत ही लाइट हाइलाइटर उन्हें अपने ब्रा बोन्स पे, एंड जस्ट लिटिल बिट. एंड उन्होंने थोड़ा सा अपनी नोज को कंट्रोल किया था, बहुत ही लाइट, बिकॉज शी इज़ नॉट हैविंग अ थिन नोज लाइक मी. मेरी नोज भी बहुत मोटी है, पकौड़ा टाइप नोज. आई एम ऑल्सो हैविंग अ नोज पकौड़ा टाइप ऑफ नोज, सो मे बी जस्ट लिटिल बिट. इस वीडियो में उनके स्टेप्स काफ़ी अलग थे, लाइक जैसे वो लिटरली नॉर्मली अपना मेकअप करती हैं, उन्होंने इस टाइम इससे काफ़ी अलग किया था. लाइक कोई भी स्टेप उनका जैसे वो नॉर्मली करती हैं, ऐसे स्टेप्स में जो भी कर रही हूँ लास्टली होते हैं हमेशा, मतलब स्टार्टिंग में होते हैं हमेशा, बट शी डज इट एंड लास्ट, सो आई एम आल्सो डूइंग इट लास्ट. एंड दिस इज माय फाइनल लुक गाइस. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.